हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमिति या निष्पत्ति के मान कैसे रखते हैं। यहाँ चार्ट एक दिया बनाया गया है जिसका प्रयोग हम लोग इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें त्रिकोणमितीय मान रखना होता है और उसे हल करना होता है, यहाँ दिया गया है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है इस चार्ट का प्रयोग करके पता कर सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। तो यहाँ हम लोग एक लिख लेते हैं, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और कोसेक जो है 30। तो कोसेक जो होता है 30 अंश का मान कितना होता है, तो इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। कोसेक 30 अंश का मान जो होता है 2 होता है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2। इसे आगे हल करते हैं, ये जो हो जाएगा जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि साइन 90 प्लस कोसेक 30 का मान 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए यदि आपके पास टैन 45 गुणे साइन 30 प्लस 3 है और इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए इसमें देखिए जो मान दिया गया है 45, 30 और इसके जो आगे जो है निष्पत्तियां जुड़ी हुई हैं, तो टैन 45, तो जहां कहीं भी निष्पत्तियों के बाद मान जुड़ा होता है तो इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा गया है टैन 45, तो टैन निष्पत्ति को ढूंढने के यहाँ दिया गया है टैन और 45, तो टैन की लाइन में 45 अंश का मान जो होता है, टैन 45 अंश का मान एक होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिखेंगे, ये एक हो गया, और बुरा है तो बुरा, साइन 30, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन और 30 अंश का मान जो होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और प्लस 3 दिया गया है, तो इसे 3 कर लेते हैं। अब इसे हल करते हैं, तो ये एक मिश्र सवाल की तरह हो गया, मिश्रित सवाल की जैसे, तो मिश्र सवाल की जैसे हो गया। तो इसे हल करते हैं, पहले गुणा करते हैं, तो 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और प्लस 3। इसे आगे हल करते हैं, इसे भिन्न के सवाल जैसे आसानी से हल कर सकते हैं, लसा लगा देते हैं 2 और इसे हल करते हैं आगे, अब 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो 7/2 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर जो है 7/2 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि टैन 45 इंटू साइन 30 प्लस 3 का मान जो होगा 7/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान रखकर उसे हल कर सकते हैं।